आई वर्शिप माई सेल्फ, मैं खुद की पूजा करता हूँ। क्या हुआ इसका मतलब? और क्या सच में गुरु की जरूरत है? देखिए, दो तरह के गुरु होते हैं। एक तो आउटर गुरु हो गया, और जो आउटर गुरु होता है वो एक इल्यूजन होता है। आउटर गुरु जस्ट आपको एक एक्सपोजर देने के लिए आता है, और वो चीज़ आपको आप कह सकते हैं कि चलते चलते आपको कुछ कुछ याद कराने के लिए आता है कि आपकी अब घर वापसी होने वाली है, आप बियॉन्ड मटेरियल चीज़ों के देखो, वो आपको कुछ याद कराने के लिए आता है आउटर गुरु। दैट इज इल्यूजन, वो इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है। और जब हम सब इमैच्योर होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या हम बात कर सकते हैं फिलोसफिकली, उस टाइम पर हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे टाइम प्रोसीड करता है, टाइम आगे बढ़ता है, फिर हम जब मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, उस टाइम पर ये बाहर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे अपनी जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में हम उनको फिर फॉलो नहीं करते। फिर हम एक अपने टाइप के, जो अलग टाइप का जो गुरु होता है, जो जो हम कहते हैं कि जिसके बारे में बात की है वेदांत में, बात की है कि हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा ब्रह्म, इन सारी चीज़ों की, तो ये जो आई होता है, ये जो मैं होता है, जो नॉन वर्बल मैं है, जो जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, जो जो इंस्टिंक्ट का है, जो इंसाइट का है, जो क्विक परसेप्शन का आई है, मैं है, वो होता है आपका रियल गुरु। और वो आपका इनर गुरु है, और वो आपका सच्चा गुरु है। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो उन्होंने मैं शब्द का बहुत यूज़ किया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और हम देखते हैं जो अद्वैत वेदांत के जो फिलोसफर्स रहे हैं, थे, चाहे वो स्वामी चिन्मयानंद हो गए, चाहे वो पुंजा पापा जी, निसर्गदत्ता महाराज, या फिर रमण महर्षि हो गए, वो आई एम को, मैं को जानने की बात करते हैं। ये किस तरह का मैं है, वो कहते हैं आप इस मैं को जानो, ये मैं ही आपका एक रियल गुरु है, यही आपकी सच्चाई है। तो ये वही वाला मैं है जो नॉन वर्बल है, और इस मैं से, ये मैं आपसे कम्युनिकेट करता है, लेकिन आप इस मैं से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और ये मैं आपको खुद याद दिलाता है, आप इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप जबरदस्ती करोगे वो आप अपने, मैंने बताया, जो आपका फेक मैं है, जो इल्यूजन वाला मैं है, जो आपने सीखा, एक्सपीरियंस करके इकट्ठा किया है, जाना है, समझा है, इधर उधर से पढ़ा है, और आपकी बायोलॉजिकली जो आपने जान लिया है कि वो पूरा एक मैं इकट्ठा हो जाता है वो, और जो आप बाहर से जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो उसी से फिल्टर होके आ रही है, वो उसी से ही बन रही है, और वही आपको गाइड कर रहा है। लेकिन जो मैंने बताया रियल गुरु है, वो इस मैं के बाद, इस आई के बाद, जो आपका आर्टिफिशियल आई है उसके बाद, जो जो आपसे कम्युनिकेट करता है, लेकिन आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसकी पूजा करने के लिए बताया गया है कि इसको वर्शिप करना, यही सबसे सेक्रेट चीज़ है, यही सबसे डिवाइन चीज़ है। क्योंकि अब एक टाइम था जब कल्ट बना करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं टाइम चेंज हो रहा है। अब हर एक पर्सन को अपने आप में ही एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ बननी है, एक कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी का निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे करके बन रही है, और वो ज़रूरी है। और उसका टाइम इसलिए आ गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर से जो हमने नॉलेज लेनी थी, जो बाहर से हमने सीखना था, वो हमने सीख लिया। अब है इनसाइड जाने का, खुद के अंदर जाने का, खुद को ठीक से समझने का, खुद के रिएक्शंस देखने का, खुद को नोटिस करने का। तो
इस मैं की, ये जो मैं है इसकी वर्शिप की बात की गई है। और जब आप इसको भी जान लेते तो ये भी ख़त्म हो जाता है, फिर वो एक अलग स्टेट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सही स्पिरिचुअलिटी, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इंटरेस्टेड हैं, सही स्पिरिचुअलिटी, सही अध्यात्म क्या है, इसके बारे में मैं एक हाल ही में एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, डिटेल में बात की जाएगी। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है, सही मतलब क्या है, और उसमें क्या क्या होता है, मेडिटेशन, ट्रुथ, फियर, एंगर, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। आप चाहें तो इसके बारे में इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।